गुजरात दौरे का दूसरा दिन वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का किया उद्घाटन, जैकेट भी खरीदी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का किया उद्घाटन, जैकेट भी खरीदी। सामान्य वर्ग गरीबों को 10% आरक्षण देने के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में सरकार। आम चुनाव से पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तैयार कर पेश कर सकती है सरकार। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाएं कनक दुर्गा और मित्तू अपीली मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों ने सुरक्षा की लगाई है गुहार। कर्नाटक में आज दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बुधवार को पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने दी थी चेतावनी, बैठक में नहीं आने वाले विधायक माने जाएंगे बागी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने बीजेपी पर लगाया अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाने का आरोप, कहा विपक्षी दल के नाते बीजेपी कर्नाटक में फेल हुई। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया विधायक खरीद फरोख्त का आरोप। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का अमित शाह की बीमारी पर विवादित बयान, कहा कर्नाटक में साजिश नहीं बंद की तो अमित शाह को और बीमारी होगी। अमित शाह की तबीयत का मजाक उड़ा रहे पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस की सोच का इलाज मुश्किल, राहुल गांधी से माफी की मांग। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि देश के टुकड़े करने वालों का विपक्ष लिया जाता है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश के पहले लोकपाल की जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का पैनल तैयार करने के लिए फरवरी तक का वक्त दिया। देश में किसानों की दशा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने ठहराया यूपीए सरकार को दोषी, कहा यूपीए ने कृषि क्षेत्र में सुधार किया होता तो ये हालात नहीं होते। 19 जनवरी को टीएमसी की रैली में होगा चाय पार्टी का आयोजन, ममता ने कहा हम चाय पियेंगे और विपक्षी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर देश की सुरक्षा को पुख्ता करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, गृह मंत्रालय की मदद से पूरा होगा काम। कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के शव परिजनों को नहीं देने पर हो रहा है विचार, आतंकी के जनाजे में होती है लोगों को भड़काने की साजिश। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह का बयान, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का कड़ा जवाब दे रही है सेना, पिछले 10 साल में सेना ने सबसे ज्यादा आतंकी मारे हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन की सीमा के नजदीक अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान AN-32 उतारा, चीनी सीमा के करीब 60 किलोमीटर के दायरे पर रहेगी भारतीय सेना की नजर। एमपी में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा लोकसभा चुनाव तक बची है कमलनाथ सरकार, एक बार जीत हो जाए तो फिर बड़े फैसले पर करेंगे विचार। एमपी में मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की गोली मारकर हत्या, गृह मंत्री ने आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का दिया भरोसा, आज मंदसौर बंद का किया आह्वान। मंदसौर गोलीकांड पर शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, हमारी सरकार की सभी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस अब चुप क्यों। एमपी के ग्वालियर में कर्ज माफी योजना में सामने आई बड़ी गड़बड़ी, कर्ज नहीं लेने वाले किसानों का नाम सहकारी समिति की सूची में शामिल। पुलिस महकमे में कमलनाथ सरकार की बड़ी सर्जरी, 20 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले, फील्ड में तैनात अफसरों को भेजा पुलिस हेडक्वार्टर। वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले एमपी के पहले सीएम बनेंगे कमलनाथ। एमपी में शिवराज शासनकाल के फ्लैगशिप योजनाओं पर सीएम कमलनाथ का ब्रेक, तीर्थ दर्शन लाडली लक्ष्मी कन्यादान जैसी योजनाओं की होगी समीक्षा। एमपी के शहडोल में बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह का बयान, नेताओं को बताया दुनिया में सबसे बड़ा बेईमान, कहा मुझे खुद भी पसंद नहीं नेता होना। आर्थिक आरक्षण बिल अभी छत्तीसगढ़ में लागू होने पर असमंजस, सीएम भूपेश बघेल ने कहा बिल लागू करने से पहले अध्ययन करेगी सरकार। सीबीआई के बाद अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईडी के रडार पर, अवैध खनन मामले में ईडी ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत।
बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने औरंगजेब से की राहुल गांधी की तुलना, कहा राहुल है कांग्रेस की सल्तनत के आखिरी बादशाह। एमपी के पूर्व बीजेपी विधायक रमेश सक्सेना ने ली कांग्रेस की सदस्यता, सीहोर में बीजेपी के दिग्गज नेता थे सक्सेना। शिमला में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मारपीट, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और मौजूदा अध्यक्ष कुलदीप राठौर के समर्थक भिड़े। हरियाणा के रेवाड़ी में बीएसएफ जवान तेज बहादुर के बेटे ने की खुशी, सेना में खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे तेज बहादुर। झारखंड के बोकारो में सुसाइड का अजीब गरीब वाकया आया सामने, पत्नी को वीडियो कॉल करने के बाद पति ने लगाई फांसी, मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी। महाराष्ट्र के पुणे में कल्याण अहमदनगर हाईवे पर कार और बस की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 घायल। महाराष्ट्र के पुणे में पतंग उड़ाने के दौरान छत से गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत। एमपी में उज्जैन के वडनगर में 5 साल से रह रहे पाकिस्तानी युवक ने एक लड़की से किया प्रेम विवाह, मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 साल पहले मर चुके ग्राम पंचायत सचिव को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, जिला पंचायत सीईओ का फरमान। 4 दिन पहले काबुल में हुए धमाके में मारी गई जोधपुर के शिप्रा शर्मा का शव दोपहर पहुंचेगा। शिप्रा अफगानिस्तान में एक एनजीओ के साथ पुनर्वास के लिए कार्य करती थी। बिहार के सहरसा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मचाया तांडव, मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार में गया के अंजना मर्डर मिस्ट्री पर राष्ट्रीय बाल आयोग गंभीर टीम के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। बिहार में मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर सभी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग, मृतक की पत्नी आज कलेक्ट्रेट के सामने रखेंगे उपवास, कहा नहीं मिला इंसाफ तो जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट। बिहार महागठबंधन में पाटलिपुत्र की सीट को लेकर खिस्तान, कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने पाटलिपुत्र सीट पर इशारों में ठोका दावा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ओल्ड पावर हाउस में लगी भीषण आग, दर्जनों ट्रांसफार्मर जलकर आग। यूपी के संभल में 400 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने अपराध नहीं करने के लिए शपथ, जिले के बदमाश खुद पहुंचे पुलिस लाइन। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद खौफ में अपराधी, बरेली जोन से 1571 अपराधी गायब, पुलिस को शक या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर प्रदेश छोड़कर चले गए। यूपी के आजमगढ़ से नौकरी के लिए सऊदी अरब गए 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की हत्या की खबर, सऊदी अरब पुलिस से मामले की जानकारी लेने में जुटा प्रशासन। हैदराबाद के रसकोंडा में पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह का किया खुलासा, आरोपियों से 90,40,000 कैश बरामद। दुनिया भर में 77 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी हैक, जीमेल याहू और हॉटमेल भी शामिल, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रॉय हंट का दावा। तेलंगाना के हैदराबाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इंडिया ओसीए नेबरहुड बुक को किया लॉन्च, प्रोफेसर एसवी शेषागिरी राव ने लिखी है किताब। उत्तर प्रदेश के अब पीएससी में मूंछ भत्ता 5 गुना बढ़ा, बड़ी शानदार रौबदार मूंछे रखने वाले जवानों को हर महीने मिलेंगे 250 रुपए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद का अपने ही देश के खिलाड़ियों पर विवादित बयान, कहा पीसीबी में काम करने का मौका मिले तो कुछ खिलाड़ी शौचालय में भी काम करने को है तैयार। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में पहुंची, सेरेना ने कनाडा के नुचार्ड को 70 मिनट में 6-2 से दी मात। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे, जोकोविच ने फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को हराया। इटली के फुटबॉल क्लब यूवेंटस ने इटालियन सुपर कप टूर्नामेंट जीता, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो के गोल से रिकॉर्ड 8वीं बार बना चैंपियन। निर्णायक जंग में भारत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे आज। बॉक्स ऑफिस और फिल्मी रिलीज का आज बम्पर फ्राइडे, गोविंदा के रंगीला राजा, इमरान हाशमी की वॉइस इट इंडिया, अरशद वारसी की फ्रॉड सैया समेत 6 फिल्में होंगी रिलीज। 26 जनवरी को रिलीज होगा सलमान की फिल्म भारत का टीजर, मल्टी स्टार फिल्म में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, तब्बू, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर आएंगे नजर।